राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद से कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठे होने लगे हैं और आप सुन सकते हैं नारेबाजी चल रही है, सरकार विरोधी, केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है और लगातार अपने नेता के साथ खड़े रहने का संदेश दिया जा रहा है। हमारे साथ नीरज कुंदन है, NSUI के अध्यक्ष हैं। आप लोग आक्रोशित हैं नजर आ रहा है, किस तरह से आगे आप लोग इस लड़ाई को लड़ने? देखिए, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जो है वो जनता की अदालत में लेके जाएगी और जनता जो है इस देश की वो तय करेगी कि इस देश में जो है, जो लोग जो है तानाशाही कर रहे हैं, जो अगर कोई उद्योगपतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा की अभी तक की सबसे बड़ी, ये अगर अपने आप को वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा छक्का मारा है ये काम करके, बट उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो है ये डिजास्टर जो है ये साबित होगा, क्योंकि इस देश की जनता जो है, ये देश की जनता जो है इन्हें जवाब देगी, क्योंकि ये देश की जनता हमेशा से, जब से ये देश आजाद हुआ, ये देश की जनता गांधी जी की विचारधारा पर चलती है, अम्बेडकर की। कैसे लेकर जाने वाले हैं आप लोग अपने संदेश को, अपनी नाराजगी को, जो आरोप है इसको लोगों तक कैसे लेकर जाने वाले हैं? कल एक अहम बैठक हुई, तमाम पार्टी के टॉप लीडरशिप ने मंथन किया, आप भी बैठक में मौजूद थे, क्या आगे का रोड मैप है कांग्रेस का, रणनीति क्या है आगे? बहुत सरल है, सरल ये है, हमें देश की जनता के बीच में जाना है और उन्हें बताना है कि जिस तरीके से राहुल जी केवल एक ऐसे नेता जो ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता है, जो पहले दिन से मोदी और अडानी की जो उनकी दोस्ती है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे, जिस तरीके से वो बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से वो हमारे छात्रों की जो शिक्षा में निजीकरण है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनको ये सरकार जो है उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। ये सिला जो सरकार दे रही है ये बिल्कुल सरल है और इस देश की जनता जो है वो खुद तय करेगी क्या सही और क्या गलत है। राहुल गांधी को सजा हो गई, सदस्यता चली गई, अब आप लोग क्या करेंगे राहुल गांधी के लिए? हम हर मौके पर लड़ेंगे, हर मुद्दे पर लड़ेंगे, राहुल जी के मुद्दे को लेकर के हम छात्रों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, हम ये बताएंगे कि सरकार किस प्रकार लोग कैसे बताएंगे। मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने कैमरे से आप ही एक बार पोस्टर देखिए जो मेरे हाथ में है और यही बात राहुल जी पिछले 9 साल से कर रहे हैं और किन से कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देश के छात्रों से जो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ के अपनी आवाज़ उठाता है उनसे, देश के डॉक्टरों से और यहाँ पर जो तमाम मीडिया खड़ी है इनसे भी, तो देश और देश के किसानों से भी। पहले देश में किसान आंदोलन हुआ तो राहुल जी ने कहा डरना मत कि किसान आंदोलन वापस होगा, तो इसी डरने मत से मोदी जी को बहुत घबराहट है और एक बड़ा एक मतलब आदमी का स्वभाव होता है, मोदी जी के जो गुरु हैं अडानी और अंबानी जी, उन पर जब आँच आएगी तो अपने गुरु को ये दिखाने के लिए कि मैं आपका कितना बड़ा गुरु मंत्र लिया हुआ है, उनके डर से इन्होंने ये बहुत बड़ा। क्यों लगता है आप लोगों को कि देश के लोग समझेंगे आपकी बात? जो आप देखो, एक सांसद को अगर मैं बात करूं, एक आम छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह मैं सोचूं, आज एक सांसद को उसके पद से हटाया जाता है, आज अगर युवा अपनी बात को उठाएंगे तो उन पे भी ये कानून ने हटाया है ना, आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोग ये जो पॉलिटिकल बात कह रहे हैं ये लोग समझेंगे, कानून ने कार्रवाई की? देखो, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, कानून ने अगर हटाया है तो कानून ने बड़ी तेजी से हटाया है। ये देखा जाए तो शनिवार इतवार को मोदी और अमित शाह जी बैठे होंगे, कल हमें ये वाली नोटिस जारी करना है तो ये वाला नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी शर्म की बात है कि शनिवार इतवार को चाय के माध्यम से लोगों को ये डराते हैं। आप सुन सकते हैं कांग्रेस जो है वो लोगों के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है और उसमें अहम भूमिका रहने वाली है, जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं और साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है वो जनता के बीच लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार के खिलाफ मुखर रहने की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई है। देखना ये होगा कि लोग इस बात पर कितना भरोसा करते हैं और सबसे अहम नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेन्द्र, ABP News, दिल्ली।